फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये घर का कपड़ा पहन के इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मार्केट मतलब बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं चौराहे पे। पूजा का सामान ले आना है और माता का पूजा करना है, तो वही मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले काम मैं करती हूँ, जो भी सामान मुझे ले आना है वो लेके आके और मैं माता का मतलब पूजा करना स्टार्ट कर दूँ। और ये इनसे मिली है, हाय बोल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ से आके, ठीक है, पूजा करते हुए। और यहाँ मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने नहा धो के पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। मैं पहले तिलक लगा रही हूँ माता को और उसके बाद मैंने फल चढ़ाया है, मिठाई चढ़ाई है, यह पानी है। और अब मैं दीपक जला दी हूँ और अगरबत्ती जलाने जा रही हूँ। नॉर्मल पूजा जो घर में सभी लोग करते हैं तो वही मैंने किया है। यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिख रहा होगा। और ये धूप है, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी, कैसी लग रही बताइएगा जरूर। मैं पंडाल में आ चुकी हूँ और ये हमारे कॉलोनी के नीचे ही पंडाल लगा हुआ है माता का, तो मैंने सोचा आज पंडाल में जाके भी अच्छे से पूजा कर लूँ माँ का। ये मैं चुंदरी चढ़ा रही हूँ उनको, आगे से चढ़ाते नहीं बन रहा था क्योंकि आगे पंडित जी बैठे थे, तो मैंने सोचा पीछे से ही मैं उड़ा दूँ इनको। ये है हमारी किट्टू, वही बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। और अब मैं चूड़ी चढ़ाने जा रही हूँ, मैंने श्रृंगार का सारा सामान ले आया था मार्केट से, तो मैंने सोचा चढ़ा दूँ माता को। चूड़ी इतनी भरी हुई है कि गिरी जा रही है, मैंने पैर के पास रख दिया। और अब मैं बिंदी लगाऊंगी, बिंदी तो मैं माथे में ही लगाना चाहती थी लेकिन वहाँ सब बैठे हुए थे इसलिए मैंने उनके हाथ में ही लगा के दिया है। ये देखिए मैंने हाथ में ही लगा दिया है कि वहाँ हाथ नहीं जा रहा था मेरा। और मैंने और सामान जो लाया था वो चढ़ा रही हूँ। फ्रेंड, तो मैं अभी फ्री हुई हूँ और आप लोगों ने देखा ही मैंने घर पे पूजा किया है, पंडाल में जाके पूजा किया है। मैं सोची आज पूजा कर लूँ क्योंकि आज अष्टमी है और आज मेरा फास्ट है। आप लोग हैं ना फास्ट, बताइएगा कौन कौन फास्ट है। तो बस अभी आए हैं पूजा करके और अब चल रहे हैं, कुछ फलहारी बनाऊंगी। फलहारी में बहुत कुछ मैं खाती नहीं, सुबह सिर्फ मखाना, मूँगफली का दाना और काजू बादाम, ये सबको मैं देसी घी में फ्राई कर दूंगी और चाय के साथ पी लूंगी, मतलब खा लूंगी। तो बस हो जाएगा मेरा, मैं बहुत दिन भर कुछ नहीं खाती। फिर शाम को मैंने साबूदाना भिगोया हुआ है, मे बी खिचड़ी बनाऊं या कुछ बनाऊं, जो भी बनाऊंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, कैसी लग रही बताइएगा जल्दी। ये हाफ नेट पे और यहाँ वर्क है और पूरी जॉर्जेट का, ये पूरा जॉर्जेट है ये, तो मैंने आज पहन लिया। ये मेरे शादी का है, मैं साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ कि शादी का इतना ढेर सारा अंबार लगा हुआ है, पहले वो तो ख़त्म हो जाए, तो जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं पहन लेती हूँ। और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है। और ये किट्टू क्या कर रही हो? मेकअप। ये क्या कर रही बेटा? मेकअप कर रही हो? हम मम्मी है ना। तो मम्मी हो, मेकअप कैसे होता है, इससे क्या होगा बेटा? ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है? अच्छा आईब्रो अब हमें क्या पता भैया, तुम मेकअप का इतना जानकार लड़की हो, मुझे पूछ रही मेकअप कहाँ लगता है। इनका ऐसे ही दिखता है, इनको मेकअप डांस बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी तो ब्लॉग अभी मेरा अभी आगे चलेगा, अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, कुछ पेट में डाल लूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं डाला, सवाई गिरा हो गया है, कुछ खा पी लेती। और यहाँ देखिए मेरी चाय उबल गई है
और अब मैं इसको कुछ दिन बाद पीऊँगी। पहले मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट कुछ है उसे मैंने घी में फ्राई कर लिया है, बर्फी है, पानी है, मखाना है। तो ये तो था मेरा नाश्ता, अब मैं इसे करने जा रही हूँ, मतलब खाने जा रही हूँ। आइए आप लोग भी, जो जो फास्ट हूँ, आइए आप लोग भी करिए नाश्ता मेरे साथ। बस मैं यही जो भी आपको दिखाया हूँ ये सब मैं खा लूंगी, उसके बाद मैं फिर शाम को कुछ बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और यहाँ मैं आज साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, व्रत में इसे खाया जाता है। इसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए हैं यहाँ पे मैंने रख लिया है, आलू है, टमाटर है, मिर्च है, जीरा है, हरी धनिया है और मूंगफली के दाने हैं और थोड़ा सा नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी और बनाने जा रही हूँ मैं, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ मैं कढ़ाई में पहले से घी डाल दिया है, घी में ही हमें इसे बनाना है। तो घी जब हमारा गर्म हो जा रहा है तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया, जीरा हमारा तड़क जाएगा तो हरी मिर्च डाल दिया मैंने। ऐसे फ्राई करूंगी अच्छे से, जब मिर्च हमारा कलर बदल दे तब मैं इसमें, ओ सॉरी मैं भूल गई थी, थोड़ा सी गलती हो गई मुझे, माफ़ करिएगा आप लोग। सिंगदाना मुझे पहले ही घी में फ्राई करना था लेकिन रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं ध्यान से उतर गया, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं मिर्च के साथ ही इसे फ्राई कर देती हूँ, हो जाएगी अच्छे से। अब मैं उसे निकाल के, यहाँ पर आलू डाला है मैंने, उसे फ्राई कर रही हूँ। जब आलू हमारा अच्छे से पक जाएगा तब मैं उसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा आलू पक गया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक गलाना है हमें। टमाटर डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा सा, आप लोग बनाइएगा इस तरीके से और देखिएगा काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए मैं टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया आलू और टमाटर दोनों हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी, अब मैंने जो भी साबूदाना भिगो के रखा था उसे मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और डालते ही इसे बराबर चलाना है, नहीं तो वो नीचे कढ़ाई में लग जाता है। और इसी बीच मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी, उसे डालने से ये आपका बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा और कढ़ाई में लगेगा भी नहीं नीचे, और इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है खिचड़ी में। बस और कुछ मिनटों में ये बन के रेडी हो जाएगा खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी लगता है व्रत में खाने में, इसे ऐसे भी आप काट सकते हो बना के। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है व्रत में खाने वाला, आप लोग ना सोचिएगा कि मैं वो वाला नमक डाल रही हूँ नॉर्मल वाला, ये सेंधा नमक से व्रत में खाया जाता है। और यहाँ हमारा खिचड़ी बन के रेडी हो गया, मैंने जो मूँगफली तल के रखी हुई थी वो ऊपर से डाल दे रही हूँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये देखिए हमारी खिचड़ी बनके रेडी हो गई है, इसमें मैंने धनिया भी डाला था, धनिया की पत्ती मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। रात के 8 बज रहे हैं और हम पंडाल में आ चुके हैं, आरती हो चुकी है और अब किट्टू और उनकी फ्रेंड डांस कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग लगा दिया है तो ये इनकी फ्रेंड है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये शिव तांडव हो रहा है, ये लड़का झांकी निकाला है, शिव जी बना है और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, तो आप देखिए और इन्जॉय करिए।
पूरा नहीं हुआ है अभी, इसमें और भी चीज़ें मैंने ऐड किया है, बट मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका पार्ट टू बनाने वाली हूँ, दो दिन बाद वो आ जाएगा, आज के दो दिन बाद, दशहरे के दिन का है वो ब्लॉग, तो ये दो दिन बाद वो ब्लॉग आएगा। वो ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक एक से झांकियाँ हैं और बहुत ही अच्छा झांकियाँ हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो वो देखिएगा आप। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप पार्ट टू में जाके अगला ब्लॉग आप देख लीजिएगा दो दिन बाद, तब तक के लिए बाय। और बताइए कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।